हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपन सो कला, मेरे चैनल देख रहे हैं टेक शो। आज हम जानेंगे जो हुआवे नोवा 4E के बारे में जानने वाले। दोस्तों मैं कौन से टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, दोस्तों उसका जो स्पेसिफिक फीचर्स, उसका लॉन्चिंग डेट और उसके MRP क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे लेटेस्ट सारी वीडियो आपके पास पहले पहुँचने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। एक चीज बता दूं, पहले उसका स्पेसिफिक फीचर जानेंगे, उसके बाद उसका जो MRP, उसके बाद उसका लॉन्चिंग डेट जानेंगे। पहले उसका स्पेसिफिक फीचर्स, पहले उसका डिस्प्ले, उसकी स्क्रीन साइज बताया जा रहा है कि 6.15 इंच होगा, स्क्रीन का रेजोल्यूशन होगा 1080x2312 पिक्सल बताया जा रहा है। उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो होगा दोस्तों 19.5:9 होगा दोस्तों। उसका भेजा जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले होगा दोस्तों। कैसे टाइप का डिस्प्ले हो सकता है दोस्तों, साइड पर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन पर, आप लोग उसी टाइप का फोटो देख लेना दोस्तों, उसी टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा बताया जा रहा है। उसके बाद उसका जो पिक्सल डेंसिटी होगा दोस्तों 415 PPI मतलब पिक्सल पर इंच होगा। उसका डिस्प्ले का टाइप होगा IPS LCD स्क्रीन होगा। और एक चीज़ बता दें, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बताया जा रहा है कि 84.51% बताया जा रहा होगा दोस्तों स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और एक चीज़ बता दो, इसका उसके बाद तो डिस्प्ले से जान लिए दोस्तों, उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ा जानेंगे। उसका जो परफॉर्मेंस बताया जा रहा है, उसका चिपसेट बताया जा रहा है हाई सिलिकॉन की 710 होगा। उसका जो प्रोसेसर क्लॉक बेस्ड किया गया है ऑक्टाकोर 2.2 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स A73 प्लस 1.7 GHz क्वाड कोर कॉर्टेक्स A55 ये क्लॉक बेस्ड किया गया है। उसका जो आर्किटेक्चर बीट होगा 64 बीट। उसका GPU होगा दोस्तों माल्या G51MP4 होगा दोस्तों। उसका RAM बताया जा रहा है कि 4GB RAM बताया जा रहा होगा। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका Android 9.0 मतलब आपको Android Pie आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को जरूर मिलेगा बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों, आपको लेटेस्ट आपको एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल रहा है दोस्तों। और एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको डुअल सिम भी सपोर्ट है दोस्तों, प्लस आपको डुअल वोल्टी का भी सपोर्ट है। बट इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब एक नैनो सिम आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं तो एक नैनो सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज थोड़ा जा लेते हैं। उसका इंटरनल स्टोरेज बताइए जा रहा है कि 128 GB इंटरनल होगा। उसको भी एक्सपांड भी कर सकते हैं दोस्तों, जो 512 GB तक हो सकता है दोस्तों। उसके अंदर कैमरा थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। उसका कैमरा बताया जा रहा है कि रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, जो कैसेट आपको आपको रियर में काफी ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है दोस्तों, और सीट आपको आपको कैमरा देखने को मिलेगा दोस्तों। उसका जो रियर में होगा दोस्तों, जो 24+8+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा, मतलब 24+8+2 MP कैमरा देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके अंदर LED फ्लैश भी होगा बताया जा रहा है। उसके और एक चीज़ बता दूँ, इसका ऑटो फोकस देखने को जरूर मिलेगा बताया जा रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, इसे फिजिकल रेफ्रेशन होगा F1.8 होगा दोस्तों। उसका इमेज का रेजोल्यूशन बताया जा रहा है कि 5288x3968 पिक्सल बताया जा रहा होगा दोस्तों। ये दोस्तों इमेज का रेजोल्यूशन है दोस्तों। और एक चीज़ बता दो, इसका जो सेल्फी कैमरा जो बोलते हैं फ्रंट कैमरा जो बताया जा रहा है, जो सेल्फी जो किसते उन लोगों के लिए, जो 32 MP फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जो फ्रंट कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका जो फिजिकल रेफ्रेशन होगा F2.0 होगा दोस्तों। उसका तो बैटरी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बैटरी बताया जा रही है, इसका कैपेसिटी होगा 3340 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। उसका बैटरी का जो टाइप बताया जा रहा है कि लिथियम पॉलीमर होगा दोस्तों। इसका और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि इसमें वो क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चार्ज आपको जल्दी करके भी दे सकता है दोस्तों, ये भी सपोर्ट है दोस्तों। और एक चीज़ बता दें, मल्टीमीडिया थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो लाउड स्पीकर ग्रिल जरूर देखने को जरूर मिलेगा बताया जा रहा है। उसके बाद ऑडियो जैक 3.5 mm का जैक जरूर देखने को मिलेगा बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को जरूर मिलेगा रियर में दोस्तों। और एक चीज़ बता दूँ, इसका जो सभी टाइप का सेंसर आपको बेसिक सेंसर देखने को जरूर मिलेगा बताया जा रहा है। उसके बाद उसकी MRP मतलब उसका प्राइसिंग थोड़ा जान लेते हैं। इसका प्राइसिंग बताया जा रहा है हो सकता है दोस्तों, जो 20,790 rupees हो सकता है दोस्तों, मतलब अराउंड पकड़ के चलिए 20,800 rupees हो सकता है दोस्तों। इसका जो लॉन्चिंग डेट बताया जा रहा है कि 23 मई को होगा दोस्तों, 2019 को हो सकता है दोस्तों बताया जा रहा है दोस्तों। इसका लॉन्चिंग डेट और इसका MRP दोनों दोस्तों एक्सपेक्टेड है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना तक ही दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना तक ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।